आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। मैनोमीटर दिया हुआ है, जो रेट ले रहा है, मैनोमीटर रीडिंग कर रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस इन एनक्लोजर। व्हेन सम ऑफ द गैस इज रिमूव्ड बाय द पंप, जो कुछ गैस है हमने रिमूव किया पंप से, तो मैनोमीटर रीड किया जो फिगर में दी हुई है एज अ लिक्विड। तो मैनोमीटर इन अ मरकरी डाला हुआ है एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। गिवन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गॉस प्रेशर, जो हमें फाइंड करना है वो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, इन फर्स्ट टू केसेस। एंड हाउ वुड द लेवल चेंज इन केस बी इफ 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आर पोर्ड इन टू द राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर। जो राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर है उसमें अगर हम डालते हैं 13.6 सेंटीमीटर वाटर तो कैसे उसका चेंज होगा लेवल्स, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला तो हमारा हो गया कि ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, जो हमारा कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है, मरकरी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रेशर हेड जो हमारा वो कितना है, हमारा एच वो हमारा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमारा डायरेक्ट एडअप हो जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो हमारा डायरेक्ट एडअप हो जाता है पी प्लस एच, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया ये 76 प्लस 20 हमारा हो गया 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। गॉस प्रेशर क्या होगा पहले ही केस में, तो गॉस प्रेशर हो जाएगा, हम लोग पहला केस का बात कर रहे हैं, ठीक है, गॉस प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हमारा वो होता है हमारा, वो हमारा दिया हुआ डायरेक्ट जो हमारा एच है हमारा वही गॉज प्रेशर होता है, वो हमारा 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, ये हमारा गॉज प्रेशर हो गया। अब दूसरे केस में हम लोग बात करें, तो उसमें क्या दिया हुआ है प्रेशर हेड, वो हमारा प्रेशर हेड दी हुई है माइनस 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर माइनस में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 76 माइनस 18, तो हमारा 58 सेंटीमीटर एचजी हो जाएगा मरकरी। और जो गॉज प्रेशर होगा वो तो डायरेक्ट हो जाता है, गॉज प्रेशर जो होगा वो हमारा क्या होगा माइनस 18 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये हमारा गॉज प्रेशर हो गया। अब हम लोग को दूसरा केस, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डालें, तो दूसरा केस में हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 13.6 सेंटीमीटर वाटर एडेड इन राइट लिम्ब, ठीक है, उसमें हमने डाला, तो इसका इक्विवेलेंट जो हाइट होगा हमारा वो क्या होगा, जो हाइट होगा नया वो 13.6 डिवाइडेड बाय 13/6, 13.6, तो ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऐड किए हम लोग, ठीक है, वो इक्विवेलेंट हमारा अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऐड करते हैं, ठीक है, तो एच डैश हमारा क्या, ऐसे हम एच डैश डिनोट करते हैं। तो हमारा नाउ प्रेशर जो होगा पी एट ए वो हमारा क्या होगा पी प्लस एच डैश, ठीक है, तो हमारा 76 प्लस 1 77 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंस आया, डिफरेंस इन द मरकरी वो क्या होगा पी वी इक्वल्स टू 58 प्लस एच वन होगा, तो एच वन हमारा इससे आ जाएगा, जो एच वन की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी 77, पी वी हमारा 77 है, ठीक है, और वो हमारा इधर 58 है, तो 58 को माइनस कर देंगे तो हमारा 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम होगा। तो ये हमारा जो न्यू हाइट होगी जो हमारा होगा वो हमारा 19 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।